सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सौजन्य से हमीरपुर के बचत भवन में अंतर्राष्ट्रीय अपंगता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर दिव्यांग जनों के लिए विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। दिव्यांग बच्चों ने कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर सभी को हैरान भी कर दिया। इसी के साथ ही कई दिव्यांग जनों ने अपनी सुरीली आवाज से मनमोहक संगीत का भी नजारा प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता वणिक मौजूद रहीं। इसके साथ ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से जिला कल्याण अधिकारी संजीव शर्मा तथा महिला एवं बाल विकास विभाग से आए अधिकारी भी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय डिसएबिलिटी डे पर स्वास्थ्य महकमे द्वारा विशेष कैंप का भी आयोजन किया गया। बचत भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के मेडिकल भी बनाए गए। यहाँ पर हड्डी रोग विशेषज्ञ से चिकित्सक तथा अन्य डिपार्टमेंट से भी चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे थे। बच्चों के लिए शिशु रोग चिकित्सक की भी यहाँ पर सेवाएं मिली। उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता वणिक ने सभी को इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे की बधाई दी। उन्होंने बताया कि दिव्यांग जन भी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इनका भी समाज में उतना ही योगदान है जितना कि अन्य लोगों का। उन्होंने कहा कि हमें दिव्यांग जनों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय डिसेबिलिटी डे पर यह विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें दिव्यांग जनों का मेडिकल सर्टिफिकेट भी प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। आज हमारे ज़िला हमीरपुर में भी बचत भवन के प्रांगण में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसमें सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री जो है उसके अंतर्गत वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये जो है कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग तरह के लोग जो डिफरेंटली एबल्ड की कैटेगरी में आते हैं उन सभी की पार्टिसिपेशन आज हमें देखने को मिल रही है। एक विविध तरह का कार्यक्रम, कल्चरल प्रोग्राम्स, कुछ जो है प्रदर्शनियाँ, इसके साथ साथ हेल्थ कैंप्स जो हैं, जो फिजिकली जो है डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए वो भी इसमें लगाई गई हैं इस प्रोग्राम में। और हमें स्पेशलिस्ट जो हैं मेडिकल कॉलेज से और हेल्थ विभाग से आज खास इस प्रोग्राम के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और हमें बहुत खुशी हुई है कि इतनी ज़्यादा तादाद में जो है आज डिफरेंटली एबल्ड जो लोग हैं उनके परिवार वाले और उनके जो टीचर्स हैं, उनके मार्गदर्शक हैं, सब ने इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हम सभी ज़िला वासियों से अपील करेंगे कि हमारे साथ घरों में, हमारे आस पड़ोस में, पब्लिक प्लेसेस में कहीं भी हम जब जाते हैं तब ऐसे जो भी लोग हमें दिखे वो हमारे ही समाज का हिस्सा हैं, उन्हें उतनी ही इज्जत, उतनी ही इंक्लूजन उनको भी मिलने का पूरा हक है। और हम सब उनके लिए ऑलरेडी कुछ ना कुछ कारणों से उनमें अलग हैं हमसे, बट वो हमसे, हम हमारा ही एक हिस्सा है, हमारे समाज का हिस्सा है। ऐसे ही समझ के हम अपने आस पड़ोस को और ज़्यादा इंक्लूसिव और ज़्यादा एक्सेसिबल और उनको और सम्मानित फील करवाएं। तो इसी के साथ इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटी की और इन सारी लोगों के जो अदम्य साहस और जो धैर्य इन सब लोगों के रोज़ की दिनचर्या में हम सब देखते हैं उससे हम सबको सीखने को मिले, इसी के साथ आज आप सबको भी शुभकामनाएं।
आज इस इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे के कैंप में खासकर जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस के माध्यम से ये पहल की गई है कि शायद पहली बार ऐसा किया जा रहा है इस कैंप में कि वॉक इन जो लिम्स हैं उस वॉक इन एक शिविर लगाया गया है जिसमें आर्टिफिशियल लिम्स जैसे हाथ या पैर या दिसंबर को दिए जाएंगे उसकी असेसमेंट आज यहाँ पे की जाएगी। जो भी इसके लिए जो आर्टिफिशियल लिम्ब लगाने की ज़रूरत है जिनको, उनको बिना कोई मेडिकल सर्टिफिकेट के, बिना कोई बहुत लंबे चौड़े दस्तावेजों के बगैर ही, सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से, और उनकी असेसमेंट आज जो है इसी स्पॉट पे ऑन द स्पॉट की जाएगी और उनके मेजरमेंट्स और उनकी असेसमेंट के आधार पर उनके लिए स्पेशली आर्टिफिशियल लिम्ब बनाए जाएंगे, हाथ पैर फुट ये सारे जो आर्टिफिशियल लिम्स हैं, और उनको 7 दिसंबर को धर्मशाला में ये प्रदान किया जाएगा। तो ये दोबारा जो जो आज यहाँ पे इस कैंप का फायदा उठा सकते हैं, आपसे कृपया अनुरोध है कि हमीरपुर वासी जितने हैं वो यहीं पे आके वॉक इन अपना ये असेसमेंट करवा लें। फिर भी अगर आप लोगों में से कोई आज नहीं आ पाया या आपको पहले पता नहीं था तो, और हमारे माध्यम से सुन पा रहे हैं आप सब लोग, तो आप सीधा धर्मशाला में 7 तारीख को भी जाके जो है वहाँ पे भी अपना मेजरमेंट्स दे सकते हैं, अपना असेसमेंट करवा के आर्टिफिशियल लिम्ब्स जो है वो लगवा सकते हैं। तो पहली बार ये किया जा रहा है, ये बहुत ही अनोखी ये पहल की गई है विभाग द्वारा। तो हम सभी से गुजारिश करते हैं कि जो जो इसकी ज़रूरत रखते हैं वो कृपया इसका फ़ायदा उठाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में।